नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक के आंगन में मैं सोनू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देवेंद्र जोशी जी को नमस्कार और आभार इस लाइव सेशन के लिए। आप सभी के भीतर बैठे ईश को मेरा प्रणाम। बड़ों को सादर, छोटों को नेह और बराबर वालों को धोल। धोल शब्द गायब हो रहा है शब्दकोश से सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, पर जब कुछ शब्द इतिहास बनते हैं, बहुत से नए शब्द इतिहास बनाते भी हैं। मैंने जैसे एक नई प्रार्थना सीखी है, सत्य के साथ साथ चलना, प्रेम के पीछे पीछे। सत्य के साथ साथ चलना, प्रेम के पीछे पीछे, करुणा से आगे निकलना सीखी मैंने नई प्रार्थना। सब सुरक्षित रहें। मैं अब कविताएं शुरू करूं। पहली कविता बचपन को याद करते हुए। भरी दोपहरी, भरी दोपहरी जब माँ सो जाती है थक हार कर, मन्नतों के स्टूल पर चढ़कर, मैं और बुन्नी खोलते हैं आंगन की ओर खुलने वाली दरवाजे की कुंडी। डर की दहलीज पर कदम रखते हैं, हथेली पर चरणामृत को संभालते हो जैसे। डर की दहलीज पर कदम रखते हैं, हथेली पर चरणामृत को संभालते हो जैसे। आंगन में आते ही आज़ादी से उछलते हैं पैर, आंगन में आते ही आज़ादी से उछलते हैं पैर। पर ध्यान से मानो खामोशी सोने के कण हैं, तेज हथौड़ी से बिखर जाएंगे। पुगते हैं जल्दी जल्दी, पुगते हैं जल्दी जल्दी, तीसरा हाथ रखकर दोनों। तंबत चालाकी और सफाई देने का समय नहीं है, बस खेलना है भरी दोपहर। अभी दोपहर को मैं अपना बचपन याद कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रेम है वो सिर्फ बच्चे के पास है, जिसके करीब आते ही हमारा जो मन है वो निश्चल हो जाता है। मैं दूसरी कविता सुना रही हूँ। थैंक्स शिवानी, आपको धोल पड़ गई। आप सभी का स्वागत है। मैं देख रही हूँ माया मृग सर, सत्यनारायण सर, बजरंग सोनी जी, कैलाश मनहर जी, शिवानी जी, शुक्रिया शुक्रिया, नूतन गुप्ता दी, राजाराम भादु सर प्रणाम, महेश कुमार जी थैंक यू आप आए, रामेश्वरम चौधरी जी धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली कविता सुनाती हूँ, हाईवे पर बसंत। नीले भ्रम के ठीक नीचे मक्खन सड़क की रफ्तार पर, पेन ड्राइव की तीखी आवाज़ में गानों के लिरिक्स दार्शनिक की तरह मेरे जहन पर हमला करते हैं। ट्रक के पीछे लिखी लाइनों पर बेवजह मुस्काने के उपक्रम में गालों पर चुभने लगती है जिंदगी। आंखों में हवा की लहक महसूसते मैं मोबाइल की तीसरी आंख बन जाती हूँ। ढाबों की चहल पहल देखते ही चाय की तलब होने लगती है। बंद शीशों में दिखती खोलती चाय घूंट घूंट नीचे उतरती है। चाय पीकर टहलते हुए दृश्य बूझते हैं मुझे, ढाबे के ठीक पीछे ठिठका है आज बसंत। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? शिव योगी जी नमस्कार, शकुंतला शर्मा जी नमस्कार, उजला हेलो, हरीश सर थैंक यू। वीना मैम थैंक यू।
मैंने एक नई कविता लिखी है, मैं वो सुनाती हूँ। कुएं की जगत पर प्यास की जुगत, कुएं की जगत पर प्यास की जुगत इसका शीर्षक है। उनके पास खाना पका और खा लेने जितने बर्तन थे, उनके पास खाना पका और खा लेने जितने बर्तन थे, अतिथि के आने पर पड़ोसी के बर्तन भी घर आ जाते। जब उनके घर की छत पर बूंदे राज करती, तब बारिशें भी घर को मेजबानी के लिए उकसाती। बीज खाद पानी सुरक्षा, बीज खाद पानी सुरक्षा हर साल कोई दो ही उनके खेत के भाग्य में रहे। वे अंधेरी रात दौड़ते और भोर तक खेत की मेड़ बनाते। तब उनके घर पर स्त्रियां दहलीज के अंदर बाहर होती रहती। वे सूत काटते थे और देखते रहते अपने बच्चों को सिर झुकाए बड़ा होते। उनके सूत उलझ जाते थे अक्सर लपेटते लपेटते भविष्य की तह को खोजते खोजते। सुलझे खिले गठरों से मिल मालिक छांट लेता था अपना असल, और वे अलग थलग पड़े गठरों के साथ सुलझाते थे अपना जीवन। अपने से बड़ी उम्र वालों से ब्याही गई उनकी बेटियां, अपने से बड़ी उम्र वालों से ब्याही गई उनकी बेटियां चली जाती थी खुशी से ससुराल, और कई सावन प्रतीक्षा करती रहती उनके बुलावे की। उनके आदर्श गांव में नए नए आए विकास खंड अधिकारी सरपंच की तत्परता से वास्तविकता से रूबरू होकर चिट्ठी लिखते सरकार को अनुदान राशि बढ़ाने हेतु, क्योंकि चलती रहनी चाहिए कुएं की जगत पर प्यास की जुगत। शुक्रिया माया सर, धन्यवाद। हाँ नूतन दी, मजदूरों वाली भी पढ़ूंगी। दिनकर विजय जी धन्यवाद। राघव थैंक यू, आप आए। मुझे किसी ने कहा है कि अपने टू लाइनर्स जरूर पढ़ना, तो मैं वो भी बता रही हूँ। एक टू लाइनर लिखा था, पत्तों को हरा कर फूलों ने सारी शाबाशी बटोरी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक कविता है जिसकी मुझे फरमाइश आई थी, फितरत, वो सुना देती हूँ। ये पुल की फितरत है सबका भार सहन करना, और फितरत ये नदी के मुहाने की पानी की टकराती धार वहन करना। पर्वत की फितरत गडरिये के किस्सों की पोटली संभाले रखना। सागर की फितरत है नदी के मैले पानी को अपनी साफ नजर देना। सागर की फितरत है नदी के मैले पानी को अपनी साफ नजर देना। बारिश की फितरत बादल को चीर देना। और तुम्हारी कभी लिखा था मैंने बहुत पहले, तेरा आकाश नीला मेरे शब्द हरे, तेरा आकाश नीला मेरे शब्द हरे, किसी जख्म पर शायद एक बूंद ने पांव धरे। आपको याद है एक सरबजीत की कहानी याद है आपको, जो पाकिस्तान की जेल में बंद हो गए थे, और सीमा पर वो थे और उनका गलती से उनका जो उनका पैर बस सीमा के उधर पड़ गया, और उनको पाकिस्तानी जवान उनको ले गए और जेल में बंद कर दिया। काफ़ी समय तक उनका पता नहीं लगा। तो उस घटना ने मुझे बहुत विचलित किया था। तब मैंने सरबजीत पर कई कविताएं लिखी थी, उसमें से एक कविता आपको सुनाती हूँ।
सरबजीत। डरती है खटके की आहट सुन, चौंक कर उठ बैठती है। कभी अंधेरे से डरे बिना उठ चल देती थी खेत की रखवाली को, सरहद के पास वाले गांव में। डरती है अब कहीं किसी रात बेखबरी में चला ना जाए उसका भाई उस पार, जहां से मरा हुआ भी साबुत नहीं आता ताबूत में। डरती है अब भी सरहद के पास के गांव की एक बहन। इस घटना ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। अंधेरे अक्सर सौंप देते हैं उजालों को अपनी कहानी, है ना? एक और नई कविता लिखी है इन दिनों, इन दिनों स्पर्श कुछ कविताएं हैं। छुअन की पहली स्मृति में दर्ज है माँ का आलिंगन। छुअन की पहली स्मृति में दर्ज है माँ का आलिंगन। बहुत दिनों बाद फिर से मिली माँ, छुअन की नई स्मृति से दूर। बहुत दिनों बाद मिली बहन और सखियाँ, मन ही मन दूर से ही थामी कलाई। मुझे चाहिए था किसी का स्पर्श, मुझे चाहिए था किसी का स्पर्श। एक पेड़ का आलिंगन किया मैंने, एक पेड़ का आलिंगन किया मैंने। उसके पास नहीं थी आतुर बाहें, उसके पास नहीं थी आतुर बाहें। पत्ते हिलाकर उसने खुशी जाहिर की। किसी भी शय को छूकर, किसी भी शय को छूकर मैं हाथ धो रही। हर शय और शख्स से विलगता, स्पर्श के मेरे एहसास को मेमोरी से डिलीट कर रही है। हर शय और शख्स से विलगता, स्पर्श के मेरे एहसास को मेमोरी से डिलीट कर रही है। मेरी मुस्कान पर मास्क है, मेरी मुस्कान पर मास्क है, जिसकी गिरफ्त से बची है हवा की छुअन। लेकिन पता है एक क्या बात है कि हम स्पर्श से दूर हो गए हैं तो लेकिन एक और चीज़ है हमारे पास अभी, बहुत बहुत अच्छी एक कविता है मेरी, अमृत बूंद। अभी अभी चखी मैंने तुम्हारी बातों से, अभी अभी चखी मैंने तुम्हारी बातों से वो अमृत बूंद जो मेरे तप्त हृदय की विदीर्णता को निर्मूल कर गई, जो मेरे तप्त हृदय की विदीर्णता को निर्मूल कर गई। क्या स्पर्श से भी सुरीली होती है वाणी, क्या स्पर्श से भी सुरीली होती है वाणी। तो हमारे पास वाणी है, माँ सरस्वती को प्रणाम इस वाणी के लिए। कोरोना की बात चली है तो कोरोना पे नूतन दीदी ने कहा था, तो मैं एक कविता सुनाती हूँ। ये कोरोना से पहले की बात है, तब कोई पटरियों पर नहीं सोता था। ये कोरोना से पहले की बात है, तब कोई पटरियों पर नहीं सोता था। सब सोते थे प्लेटफॉर्म पर, सब सोते थे प्लेटफॉर्म पर। एक दफा माफी भी मांगी थी मैंने उस छोटे लड़के से जो कंबल ओढ़े सो रहा था प्लेटफॉर्म पर, और मेरा पैर लग जाने पर भी नहीं उठा, और मेरा पैर लग जाने पर भी नहीं उठा। मानो सो रहे अपने पूर्वजों की थकान हो उसके पास, मानो सो रहे अपने पूर्वजों की थकान हो उसके पास। और ये कोरोना काल की बात है, जो सो गए लोहे की पटरियों पर, इनके पास थी शायद, इनके पास थी शायद अपने पूर्वजों की भी थकान, इनके पास थी शायद अपने पूर्वजों की भी थकान। एक कविता मैं सुना रही हूँ, वो मैंने सत्यनारायण सर को समर्पित की है। मेरे चेहरे पर मेरी कविताएं नहीं लिखी, मेरे चेहरे पर मेरी कविताएं नहीं लिखी, जैसे आकाश पर नहीं लिखी होती कभी बारिश की इबारत। मेरे चेहरे पर मेरी कविताएं नहीं लिखी, जैसे आकाश पर नहीं लिखी होती कभी बारिश की इबारत।
यकीन नहीं आता तो सिर उठाकर देखो, उस नीले भ्रम को भी नहीं जान पाओगे जो टाका है तुम्हारे ही भरोसे ने। उस नीले भ्रम को भी नहीं जान पाओगे जो टाका है तुम्हारे ही भरोसे ने। मेरा परिचय है एक टूटे तारे की तरह तुम्हारी आंखों में, फिर तुम कैसे करोगे दावा जानते हो मुझे। और सुनो, सिर्फ तुम ही दावा नहीं कर रहे जानने का, कल उस पेड़ ने भी किया था जिसे सुनाई थी मैंने कवि सत्यनारायण की अभी ये धरती कविता। और सुनो, सिर्फ तुम ही दावा नहीं कर रहे जानने का, कल उस पेड़ ने भी किया था जिसे सुनाई थी मैंने कवि सत्यनारायण की अभी ये धरती की कविता। यूं इधर मौसम आबाद है, यूं इधर मौसम आबाद है बारिश का, और तुम यूं ही पहचान के संकट में डोल रहे और तुम यूं ही पहचान के संकट में डोल रहे हो। तनिक ठहरो बारिश कम हो जाने दो, तनिक ठहरो बारिश कम हो जाने दो, फिर मेरे चेहरे पर होंगी चस्पा कुछ किताबें जो तुम्हें प्रिय हैं। मुझे ये दिख नहीं रहा आपके, राजाराम भादु सर धन्यवाद, प्रज्ञा थैंक्स आप आए, शिल्पी सादर नमस्कार, अमित माथुर जी धन्यवाद, मनहर सर शुक्रिया, जिया शुक्रिया जिया, हाँ मैं अगली कविता सुनाती हूँ। ये चेंज हो गया क्या? नहीं ठीक है। ओ ओ ओके। एक एक कविता थी, इंद्र के हजार नैनों ने, इंद्र के हजार नैनों ने न रचे होंगे इतने मन, न ही रची होंगी ब्रह्मा ने इतनी सृष्टियाँ। इंद्र के हजार नैनों ने न रचे होंगे इतने मन, न ही रची होंगी ब्रह्मा ने इतनी सृष्टियाँ, जो रोज रचती है एक औरत आटा गूंथते गूंथते। जी मेरी तो बहुत सारी बातें हैं, मेरी मम्मी कहती हैं कि सोन चिरैया की बातें हैं ये और कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक मैं सोचती हूँ कि एक चिरैया जैसी तो होती है हर स्त्री, बस पंख ही नहीं होते। तो माँ याद आ गई है तो माँ की कविता तो सुनानी है। माँ, घर बच्चे पति परिवार, घर बच्चे पति परिवार सब उसका ही होता है, पर माँ कभी वसीयत नहीं करती। वर्तुल वीथिका सी होती है माँ, सब काम पूरे कर जाने की इजाजत चाहती है बस। सपने थापती है रोजाना, सपने थपती है रोजाना, तापती है मध्यम आंच पर भविष्य के उजास के लिए तापती है। सपने थपती है वो रोजाना, तपती है मध्यम आंच पर, तापती है भविष्य के उजास के लिए। धूप के कण का सघन पुष्प होती है माँ, धूप के कण का सघन पुष्प होती है माँ,
हर जगह नहीं होने पर भी हर जगह होती है माँ। माँ पे एक और छोटी सी लाइन लिखी थी, स्मृति के कोष्ठक में कैद बातों को, स्मृति के कोष्ठक में कैद बातों को आले में रखी चीजों जैसे अक्सर भूल जाया करती है माँ। बेटों के दिल में बेटियों जैसी होती है माँ, बेटों के दिल में बेटियों जैसी होती है माँ। अब जो मैं सुना रही हूँ ये शायद बहुत समय से मेरे भीतर है। हमेशा मैं देखती हूँ, मैं बहुत ऐसे लोगों के बहुत नज़दीक रही जो गांव से शहर आने वाले जो लड़के थे, तो शायद उनके लिए मैंने एक बार लिखा, सड़क पर छाई है गांव की धूल, आज फिर कोई लड़का शहर की ओर भागा है। एक कविता थी मेरी जो विश्वा में छपी थी बहुत साल पहले, शहर की तरफ जाती सड़क, उसका शीर्षक है शहर की तरफ जाती सड़क। साथ चलते खेत की हरियाली चुपती है, साथ चलते खेत की हरियाली चुपती है, भाई जी की आवाज वाली जूती से कोफ्त होती है। बड़ी इच्छा होती है किशन की घर घराती साइकिल को लाते मारने की, चिल्लाते बच्चों की टोली को गालियां देने की, बस सब भागकर छोड़ने को जी करता है, सपनों से भरा बैग लेकर बहुत तेज चलती है, मुड़ के देखती तक नहीं शहर की तरफ जाती सड़क। इसी कविता के कंटिन्यू में एक और कविता लिखी थी, तेरा लाडला, ये बहुत लोगों को पसंद आई थी कविता, तेरा लाडला। मिल गया था कहीं से, गिरा पड़ा मुड़ा तुड़ा खत किसी के ख्वाबों का, नाम की जगह लिखा था तेरा लाडला, और लिखा था जा रहा हूँ माँ, पिताजी इन दिनों खूब घुड़कते हैं, दादी भी जी भर के कोसती है, सबसे बड़ा लड़का हूँ ना तेरा, कुछ करता धरता नहीं, शहर में खूब काम है, गोपी जगन राधे भी साथ हैं, तू चिंता ना करना, अगली बार तुझे बुला लूंगा, और सुन नाराज ना होना, आले में रखी गुल्लक तोड़ी है मैंने। स्त्री पे एक कविता सुनाती शुक्रिया प्रज्ञा, अशोक आत्रेस जी सादर प्रणाम। स्त्री, स्त्री बुद्ध हो जाना चाहती है, स्त्री बुद्ध हो जाना चाहती है, घर के भीतर घर के बाहर स्त्री बुद्ध हो जाना चाहती है। स्त्री जो अपनी वाचालता चंचलता चपलता उत्सव प्रियता आनंद के लिए है विख्यात, बुद्ध हो जाना चाहती है। संवेदनाओं के धरातल पर समृद्ध ये स्त्री संवेदनहीन समाज में बुद्ध हो जाना चाहती है। स्त्रियों के लिए बचना चाहिए समाज। अब प्रेम कविताएं क्योंकि कभी लिखा था कि अक्ल का हथौड़ा सबसे ज्यादा दिल पर वार करता है। शुक्रिया पूनम, लड़की किताबें ज़्यादा पढ़ती थी, ये कविता है एक, लड़की किताबें ज़्यादा पढ़ती थी, लड़का दीन दुनिया की खबर, लड़की जब किताब बंद करती तो किरदारों को खोजती, उसे बाहरी दुनिया में साम्यता दिखती, बेशक अक्सर नहीं भी, पर लड़की को मालूम था किताबें झूठ नहीं बोलती, और लड़के को मालूम था किताबों से बाहर भी होती है एक और दुनिया। लड़की परी कथाएं नहीं पढ़ती थी, ना ही मनोहर कहानियां, पर लड़की पढ़ती थी ऐसा कुछ जो विराट कर दे उसकी दुनिया, तिरोहित कर दे भीतर बैठा अनजान डर। लड़की पढ़ती थी ऐसा कुछ जो विराट कर दे उसकी दुनिया, तिरोहित कर दे भीतर बैठा अनजाना डर, और मानती थी कि मुश्किल तकलीफों के बावजूद जिंदगी फिर भी खूबसूरत है।
प्रेम जिंदगी के तवे पर पानी के छींटे जैसा है प्रेम। मैंने तह करके रख दिया, मैंने तह करके रख दिया तेरे नाम का ख्वाब, तू कहे तो खोल कर जरा सलवटें हटा दूं। छोटी छोटी प्रेम कविताएं हैं ये। तुमसे मिलकर मैं खुद से मिली या खो दिया थोड़ा सा खुद को, पिघलते रहते हैं अक्स उजालों में, पिघलते रहते हैं अक्स उजालों में, कोई चेहरा हरदम एक सा नहीं रहता। एक कविता लिखी थी जो बहुत फेसबुक पे चर्चित हुई थी सुनाती हूँ। लड़की नीला ज्यादा पहनती थी, लड़का ग्रे, ब्लैक और ब्राउन, पर उसे याद रहता जब लड़की ने पिंक पहना था, उसके चेहरे पर वो रंग चढ़ गया था। वैसे जब जब वो नीला पहनती थी तब उसकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती, कभी आसमानी, कभी सागर के ठीक मध्य का नीला, तो कभी मोर पंखी, कभी समुद्री तल पर लगा टर्कवाइज, या फिर गहरा नीला जिनसे उभरना नामुमकिन था। लड़का जब झक वाइट पहनता, लड़की को जिंदगी गुलजार लगती। लड़का जब झक वाइट पहनता, लड़की को जिंदगी गुलजार लगती, यूं लड़की को उसका ग्रे और ब्लैक भी सुहाता, पर ब्राउन बर्दाश्त नहीं होता, न जाने क्यों भूरे में घूरते, न जाने क्यों भूरे में घूरते अहम के बटन, और तब उनका प्रेम इत्र हो जाता। ये मैंने एक सीरीज लिखी थी प्रेम गली अति सांकरी, उसमें ये कविता थी। सबने रास्ता चुना मैंने प्रेम, एक छोटी सी कविता और है। देख रही थी जिंदगी मुझे और मैं जिंदगी को। ये किस्सा बरसों चला, फिर बसंत आ गया। ये किस्सा बरसों चला, फिर बसंत आ गया। उसने कहा, बस एक बार मेरी ओर देख। उसने कहा, बस एक बार मेरी ओर देख। वही हुआ जिसका डर था, मैं बसंत हो गई। शुक्रिया माया मिल्क सर। शुक्रिया सबका। अमित माथुर जी, भादु सर धन्यवाद, देवेन जोशी जी धन्यवाद, मनर सर धन्यवाद, शुक्रिया शिल्पी, नूतन दी थैंक यू, उजला शुक्रिया, हरीश सर, वीना दी थैंक यू, छोटी छोटी प्रेम कविता है। तुम्हारे पास भाषा थी, मेरे पास प्रेम, मौन पसरा था शब्दों के मध्य। तुम्हारे पास भाषा थी, मेरे पास प्रेम, मौन पसरा था शब्दों के मध्य। जैसे पटरी पर पड़े सिक्के, हमेशा नहीं छूते ट्रेन का पहिया।
वीना चौहान दी, सादर नमस्कार, शुक्रिया सत्यनारायण सर, धन्यवाद। एक प्रेम कविता और सुनाती हूँ। लड़की को चिड़िया पसंद थी, लड़की को चिड़िया पसंद थी, तितली भी पसंद थी। लड़की को चिड़िया पसंद थी, तितली भी। लड़के को उसकी बोलती आंखें, उसकी बेलोस हंसी। लड़के को उसकी बोलती आंखें, उसकी बेलोस हंसी। लड़की को लड़के की आवाज़ पसंद थी, लड़की को लड़के की आवाज़ पसंद थी। वो बोलता तो लगता गूंज रहे हैं उसके स्वर, तेज हवाएं चलती तो लड़की और मुस्कुराती। लड़का उसके बालों को उड़ते देखा करता, पर बारिश लड़की को उदास कर जाती, उसे घर में कैद कर देती। तब उसकी नज़र ढूंढती रहती साफ धुला खिला आसमां। एक छोटी छोटी टू लाइनर्स हैं, मुझे विशेष तौर पे कहा गया कि टू लाइनर्स जरूर सुनाना आपने, तो वो सुना रही हूँ। जिद थी इसलिए नदी बन गई, जिद थी इसलिए नदी बन गई। उसने यकीन कर लिया इसलिए पहाड़ हो गया, उसने यकीन कर लिया इसलिए पहाड़ हो गया। शुक्रिया निरुपमा। एकांतिक का सुख है स्थिरता, जख्म की अपनी आदत है। छुपते हैं हर शय से या हवा से भर जाते हैं। ख्वाब रूठते नहीं, टूटते भी नहीं। ख्वाब रूठते नहीं, टूटते भी नहीं, वे चांद बन जाते हैं। सबने चांद मोहब्बत पर टाके, सबने चांद मोहब्बत पर टाके, उसने रोटी मांगी। करीब आए तो सोना बना दे, ऐसा पारस होता है प्रेम। एक कविता पर कविता लिखी थी। तुम कितनी भली मालूम होती हो, तुम कितनी भली मालूम होती हो, किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की की तरह। नीची नजरों से देखती हो ऊंची दुनिया की इबारतें। कितना प्रेम है तुम्हें, कितना प्रेम है तुम्हें कि गुम रहती हो सबकी सांसों में। बताती हो होले होले, ले लोगी एक दिन अपने आगोश में, ए मौत किसी कविता की तरह। कितना समय हो गया, समय हो गया तो मैं देवेन जी, समय हो गया। अच्छा, मीठी होती आस सदा, मीठी होती आस सदा, मीठा होता खक्का गान। आजादी का हर रुक्का मीठा, आजादी का हर रुक्का मीठा, मीठा उसका नयन बाण। एक नज्म सुनिए। सारे सवालों से जिंदा है आदमी,
सारे सवालों से जिंदा है आदमी, जवाब मिल जाए तो मर जाए आदमी। ख्वाबों ने अलग ही हल्ला मचा रखा है, इधर ये चुप हो उधर मर जाए आदमी। खुशियों ने भी गमों को ताकीद कर दी है, कमबख्त खुशी से ही ना मर जाए आदमी। लाइन हाजिर है इश्क भी मैदान में, अकेला घर पर ना मर जाए आदमी। बेशक गुंजाइश है सुधार की अशार में, ताकि एक शेर से ही ना मर जाए आदमी। कब तक पढ़ सकते हैं देवेन जी? 4:45 तक, अभी क्या समय हुआ है? अच्छा ठीक है, वो मुझे बादल सौंपती थी और मैं उसे बारिश। कल आकाश ने मुझसे कहा, वो मुझे बादल सौंपती थी मैं उसे बारिश, कल आकाश ने मुझसे कहा। वो छिटकता था प्यार के बीज, मैं हरी हो जाती थी, कल धरती ने मुझसे कहा। मैंने उसे चांद की किरणें दी और सूरज की रोशनी भी, मेरी स्थिरता और उसकी चपलता, हम एक दूजे के लिए ही बने हैं। तारे मेरी आंखें हैं और मैं रोज उसे खरबों आंखों से तकता हूँ। तारे मेरी आंखें हैं, मैं रोज उसे खरबों आंखों से तकता हूँ, कल आकाश ने मुझसे कहा। उफ, मैं उसे हर बहाने तकती हूँ, उसका नीलापन मोह लेता है, उसे देख मेरा सागर नीला हो जाता है और नदी का उत्स भी उजला हो जाता है। मेरे पहाड़ उसको छूना चाहते हैं और पेड़ भी कोशिश करते रहते हैं, कल धरती ने मुझसे कहा। मेरा ब्रह्मांड उसके आंचल के सामने बोना है, उसके भीतर छुपे हैं असंख्य रत्न, अनेक बीज। रत्न के लिए चीरते हैं उसकी छाती और बीज खुद ब खुद फोड़ देता है उसका सीना। उफ, मैं सह नहीं पाता उसका सहना तपना और ये सिलसिले, तब मैं रोता हूँ और हो जाती है बारिश। समय हो गया क्या? जी शुक्रिया। मनर सर आभार, आप हमेशा प्रेरणा देते हैं। हाँ मैं ये सुनाती हूँ। जी, धूप को दरकार थी धूप की, धूप को दरकार थी धूप की, प्रेम हरा होता है मध्यान्ह में। अकिंचन होने का सुख धूप से भला कौन छीन सकता है। समय हो गया? समय ज्यादा तो नहीं हो गया? चलिए अब विदा लेते हैं। मुझे यकीन है मेरी कविताओं से बचा रहेगा आँख में मौजूद पानी। मुझे यकीन है मेरी कविताओं से बचा रहेगा आँख में मौजूद पानी, जारी रहेगी भीतर का जल हरा करने की कवायद, जारी रहेगी भीतर का जल हरा करने की कवायद। इसी विश्वास के साथ मैं विदा लेती हूँ और सबको शुभताएँ, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आभार, आभार जन सरोकार मंच, आभार सभी का शुक्रिया। मैं बहुत सारे नाम शायद नहीं पढ़ पाई, मैं बाद में रिप्लाई करूँगी। बहुत बहुत आभार।